बनाने जा रही हूँ मेथी और गाजर की सब्जी। तो जिसके लिए मैंने मेथी ली है, इसको बारीक काट लिया मैंने, और गाजर ली है 8 से 10 गाजर लिए हैं, उसको भी बारीक काट लिया है। 2 से 3 प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, जिसको मैंने पेस्ट बनाया है। 3 से 4 हरी मिर्च हैं, इसको भी बारीक काट लिया है। और कुछ मसाला है, धनिया, मिर्च, जीरा, हल्दी, और ऑयल है, और स्वाद अनुसार नमक। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑयल डालना है कढ़ाई में। मैंने गैस ऑन कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे। गैस को हमें तेज आंच पर ही करना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा डाल रहे हैं 1 चम्मच। फिर मिर्च डाल रही हूँ, लहसुन और उसका अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिलाना है। फिर इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, इसको भी मिलाना है अच्छे से। इसको अच्छे से थोड़ा हमें ब्राउन होने देना है। हमारा प्याज, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सारे पक जाएं। इसके बाद हम गाजर डालेंगे, हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है। ये देखिए ऑयल हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, जो हमने बारीक काट के रखी है। तो अच्छे से मिलाना है हमें इस तरीके से। अब इसमें हम मिर्च, मेथी डाल देंगे सारी की सारी बारीक कटी हुई। इसको मिलाएंगे अच्छे से इस तरीके से। अब इसमें हम नमक डालेंगे, आपके स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया डालेंगे, और इसको हम मिलाएंगे अच्छे से। इस तरीके से इसको 2 मिनट के लिए पकने रख देंगे धीमी आंच पर। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी पककर तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इतना ही अच्छा कलर आया है, उतनी टेस्टी सब्जी बनी है ये। आप इसको चपाती से, पराठे से, कोई भी चीज़ से खा सकते हैं। ये पंजाबी सब्जी है, बहुत टेस्टी लगती है सर्दियों में, हेल्दी भी है। मेथी की भाजी, गाजर डली है इसमें, तो बहुत हेल्दी भी है। ये देखिए हमारी गर्म गर्म मेथी की और गाजर की सब्जी बनकर तैयार है। ये सर्दियों के मौसम में बहुत हेल्दी होती है और टेस्टी भी है। आप ये फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा।